दोस्तों, मैं मीना, मीना के एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी बज रहा है 4:30 होने वाला है और हम लोग 2 बजे से उठे हुए थे। सब तैयार वगैरह हो गए हैं, सामान भी हमने रख लिया है गाड़ी में, अब बस बिल्कुल रेडी हैं और हम लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए तो आप लोगों को पता चलेगा। मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा तो पता चलेगा आप लोगों को। आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, टाइम हो गया है, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए पहले भगवान जी का प्रणाम कर लेते हैं। पहले भगवान का प्रणाम सबसे पहले होता है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं अपनी। तो दोस्तों, हम लोगों की तैयारी बन गई है घूमने जाने की और छुट्टियां चल रही हैं, सभी की छुट्टी हो गई है तो सभी लोग आए हैं। तो हम लोग तैयार हो गए हैं घूमने जाने के लिए। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, भगवान जी के दर्शन करने वाले हैं। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग भीमा शंकर दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं और आगे भी जाएंगे। आज हम इस बार हम लोगों ने 2-3 जगह जाने का प्लान बनाया है। तो हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे और वो आप लोगों को वीडियो में हमारे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो में बराबर बने रहिएगा। मेरी गाड़ी हो गई है तैयार, हमने सारा सामान रख दिया है गाड़ी में और सभी लोग बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। और मैं भी सारा ताला वाला लॉक ऑक लगा लेती हूँ पूरे घर में और बस बैठ करके चलिए निकलते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलिए भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो ज़ोर से बोलिए जय भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। 4 बज रहा है दोस्तों, हम लोग 2 बजे से उठे थे, सब लोग तैयार व्यार हुए, मतलब नहाते धोते तैयार होते होते हम लोगों को बच गए 4। तो हम लोग फाइनली 4 बजे निकले हैं। तो रास्ते में जो जो मेन मेन चीज़ें पड़ती जाएंगी वो मैं दिखाती जाऊंगी। ये हमारा टाउनशिप का एरिया है, हम लोग टाउनशिप से चल रहे हैं बाहर अभी। तो ये देखिए हम बाहर आ गए हैं, बाहर का एरिया है ये, हमारे जो है नागो थाने का एरिया है। हाँ जी, नागो थाने के एरिया में रहती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आगे निकल करके बहुत दूर आ गए हैं, मतलब ये लोनावाला खंडाला होते हुए पूना की रोड पर हम लोग निकले थे। पूना को छोड़ते हुए लोनावाला खंडाला ये सब आउटर से निकलते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़े हैं। तो अभी जो है ना अंधेरा ही है, देखिए सुबह ये हो गया है, लगभग 6 बजे का टाइम है और हम घाटी पर चढ़ गए हैं दोस्तों। घाटी ही घाटी है यहाँ पर। पहले हम लोगों ने बहुत हाइट पर गए, उसके बाद बहुत हाइट से हम लोग नीचे उतरे। तो देखिए कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, रात को तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लाइटें जल रही थी और इतने ज़्यादा टर्न मोड़ आ रहे थे ना कि ट्रैवलिंग में भी बहुत मज़ा आता है ऐसी जगह जाने में। तो थोड़ा थोड़ा हमने भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये देखिए, तो हम लोगों को भोलेनाथ के का बुलावा आ गया था फाइनली। तो हम लोग भोलेनाथ के दर्शन के लिए इस बार निकले हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने दो जगह के ज्योतिर्लिंग बंद हो गया था और इस बार भी प्लान बनाया है कि 2 जगह जरूर जाएंगे। नाला नहीं निकला अभी, एक जगह और हम कहाँ जाएंगे वो भी बताएंगे। सब जुड़ा हुआ है ना, लगा हुआ। ये लोनावाला सब चिक्कियों की दुकानें हैं, ये देखो ये यहाँ लोनावाला में चिक्की बनता है। हाँ, चिक्की बहुत फेमस है लोनावाला की। सब ऐसी दुकानें हैं, रोडे हैं, बस हो गया। और रिजॉर्ट वगैरह है यहाँ, वाटर पार्क रिजॉर्ट, ये सब घूमो। हाँ, फेमस चिक्की वाला लोनावाला दिखाओ, ये कितना बढ़िया व्यू है। एवन चिक्की, रामा कृष्णा, इन्होंने चिक्की के नाम पे लुट पाई है, लुट पाई है इन्होंने चिक्की के नाम पे। तो खाना चाहिए चिक्की वैसे यार। वार्डन कहाँ चला गया? स्टार से थे यार। पहुँचा तो दी थी ना, तो कि नहीं पहुँचाई थी। और ये सारे गप्पे मेरी ननंद रानी बच्चों के साथ में चल रहा था। हाँ, बच्चों की बुआ आई हुई है, जब वो आती है छुट्टियों में तो फिर हम लोग एक टूर तो ज़रूर निकालते हैं गर्मियों में बच्चों के साथ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं और फन मज़ा करते हैं। देखिए पहाड़ों पे आ गए हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत खूबसूरत था ये पहाड़।
बिल्कुल हम लोग जाते ही जा रहे हैं, करीब मतलब आ गए हैं। और हम लोग यहाँ पर 9:30 के करीब हम लोग भीमा शंकर पहुँच गए थे दोस्तों। ये देखिए भीमा शंकर के एंट्रेंस में हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग निकले थे 4:30, हम 4 से 5 घंटा हम लोगों को हमारे घर से लगा यहाँ आने में। और ये रास्ता है अंदर जाते हुए, मतलब 3-4 किलोमीटर पहले ही हम लोगों से मतलब कार पार्किंग वगैरह का एंट्रेंस का फीस ले लेते हैं, वहाँ पर हमने जमा करके और हमें टोकन मिला और आगे बढ़ गए। तो इतना ज़्यादा खूबसूरत, एकदम इतनी खूबसूरत जंगलों के बीच में भगवान जी बसे हैं ना, कि इतना मौसम ठंडा था ना, तो यहाँ के लोगों का हमने देखा कि हल्का हल्का स्वेटर वगैरह भी पहने हुए थे। हो सकता है तेज़ बारिश हुई हो इसलिए पहने हो। तो हम लोग काफ़ी खुश हैं कि चलिए हम लोग आ गए दर्शन करने के लिए। और ये पार्किंग वाला एरिया है दोस्तों, भीमा शंकर का पार्किंग एरिया है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन अलग अलग जगह कई पार्किंग है। और ये मार्केट वाला एरिया है, बस यहाँ से हमको पैदल जाना है। हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं और सीढ़ियाँ बनी हुई है अंदर, मतलब नीचे डाउन में है बिल्कुल, भगवान जी नीचे डाउन में बैठे हुए हैं। तो जंगलों के बीच एकदम बढ़िया सीढ़ियाँ बनी है, मार्केट लगे हैं, खाने पीने की चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं। ज़्यादा स्पेस में है नहीं लेकिन बहुत खूबसूरती बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए फूल वगैरह सब कुछ अंदर तक मिल जाते हैं, बड़े आसान से, ज़्यादा महंगा नहीं है। मतलब कितने का है? वाजिब रेट में, हमें तो लगे वाजिब रेट में है। मौसी से हमने थोड़ी सी बात भी करी, भुट्टे वाले मौसी से, तो बस हम जा रहे हैं, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर तो हमें पैदल चलना ही पड़ता बहुत है, ज्यादा से, और डाउन में है, बिल्कुल नीचे है, मतलब सीढ़ियों से ऐसे उतरना की पड़ता जा रहे हैं। और दर्शन तो बहुत जल्दी हो गए, ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि हम लोग, ये मेरी फैमिली जा रही है दोस्तों आगे आगे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम लोगों के दर्शन बड़े आराम से हम लोगों ने 1/2 घंटे में कर लिए थे। ये देखिए एरिया बीच में बसा है, ऊपर ऊपर पूरे जंगल है, ऐसे डाउन में मतलब अंदर की साइड पे पूरा ये सब बना है। ये देखिए हम लोग अंदर आ गए, एकदम मंदिर परिसर में आ गए हैं दोस्तों। बहुत सुंदर, इतना खूबसूरत, दिल खुश हो जाने वाला था एरिया ये, और हमें तो बहुत मज़ा आया भोलेनाथ के। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जितना हो सका हमने दिखाया दोस्तों, क्योंकि अंदर हर जगह अलाउ नहीं होते, खासकर ऐसी ऐसी जगह में कैमरा को पहले ही बंद करवा दिया जाता है। तो थोड़ा बहुत हमने लाइन में लगे हुए रील्स वगैरह शूट की और थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक की। देखिए हम नीचे जा रहे हैं, ऐसी ही सीढ़ियाँ बनी हैं और ये साइड में ग्रिल्स वगैरह लगी हैं, तो किसी भी एज का बंदा हो आराम से उतर सकता है सीढ़ियाँ पकड़ करके और चढ़ भी सकता है। खाने पीने की बराबर सब चीज़ें मिल जाती हैं, पानी पीने की भी चीज़ें हैं सब कुछ। और ये देखिए हमने फूल खरीद लिया, इसको हम लोग सोच रहे थे ब्रह्म कमल है लेकिन हमें इतनी जानकारी तो है नहीं। ये हमने 100 रुपये का पानी का एक लोटा और सारे फ्लावर की टोकरी, सब चीज़ बेलपत्र है, फूल है, प्रसाद है, सब कुछ हमने इसके साथ में ही मिल गया था। तो बस अब जा रहे हैं हम भगवान जी के, फाइनली लाइन में लगे हुए हैं। मतलब कुछ दूरी तक हमको कैमरा अलाउ था, उसके बाद फिर सिक्योरिटी वाले सब मना करते हैं और गाइडलाइंस भी वहाँ पर लिखी हुई थी, तो फाइनली हम वहाँ तक लेकर के गए और आगे हमने बंद कर दिया था ये चीज़ को, कैमरा को। और हमने खूब मस्ती की दोस्तों, खूब मस्ती की, लेकिन कहते हैं ना कि कितना ही चीज़ें कैप्चर कर पाए, हमारा खूब अच्छा लगा, शेयर कर दिया। तो ये देखिए हमारा फाइनली दोस्तों दर्शन तो हो गया था वहाँ, हम लास्ट सीढ़ी तक तो हम कैमरा चालू कर पाए, उसके बाद हमने कैमरा बंद कर दिया और फिर हमने जलाभिषेक वगैरह किया, खूब अच्छे से पूजा किया, कोई भागा भागी धक्का मुक्की नहीं हुआ, हमें तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद हमने चंदन लगवाया, तो उसकी रील शूट कर रहे थे तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग निकल गए वापसी के लिए। तो रास्ते में जस्ट भगवान जी के मंदिर के बगल में यह कुंड है, यह कुंड जो है यह कुंड भगवान जी यहाँ पर स्नान किए थे शायद, तो वहाँ पर सांप वगैरह हमने देखे, तो छोटे छोटे बहुत सारे सांप वहाँ पर थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे। लड्डू ज़्यादातर पेड़े मेरे बहुत ज़्यादा थे, ये देखिए पेड़े बनाने की मशीन, वहाँ पर एक दुकान पर पेड़े बन रहे थे प्रसाद के लिए। तो हमने वीडियो बनाई, देखिए हमने कहा चलो आप लोगों को साथ भी शेयर करते हैं,
तो किस तरीके से बढ़िया से गोले बन बन के पेड़े निकल रहे थे और किसी को भी ज़रूरत नहीं बनाने की, अपने आप बन रहे थे, लोग दूसरा काम में बिजी थे, इधर पेड़े भी बन रहे थे। और हमने प्रसाद वगैरह खरीदने के बाद थोड़ी सी शॉपिंग की, मैंने प्रसाद वगैरह खरीदा और थोड़े धागा वगैरह लिए, मौली वगैरह, और फिर दिया, एक मैंने दिया भी खरीदा। तो घर जा कर के क्या क्या लिया मैंने, थोड़ा बहुत जो भी लिया वो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाऊँगी छोटा सा, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं लिए, देखते हैं और जगह और भी जाना है जगह पर तो क्या क्या लेते हैं। तो वही हमने शिवलिंग, मुझे लेने की इच्छा बड़ी थी लेकिन शिवलिंग अच्छे वाले शिवलिंग नहीं मिले। और ये देखिए डमरू वगैरह मैं बजा करके देख रही थी, वैसे मैंने डमरू लिया हुआ है पहले, कहीं गई थी मैं नासिक की साइड पे, तब मैंने वहाँ से डमरू लिया था। तो मेरे पास भगवान मंदिर में भगवान जी के पास डमरू रखा हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिया, बस चेक देख रही थी। और बच्चे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे थे, उनके साथ भी लगे हुए थे, तो फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हो गए भगवान जी के। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, तो यहाँ पर आने में भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी गाड़ी पार्किंग वगैरह सब कुछ बढ़िया है और रिजनेबल रेट भी है, आराम से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। हमको तो कोई धक्का मुक्की नहीं हुई और ना ही कोई परेशानी हुई। यहाँ से मैंने एक जोत जलाने का जोत वो लिया है, दिया लिया है जोत जोत लगाने के लिए मंदिर के लिए, मेरे पास नहीं था तो। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिया थे यहाँ पर, तो मुझे एक बहुत सुंदर सा पसंद आया तो मैंने ले लिया। सिंदूर टिक्की बिंदी जो भी होता है हम लेडीज़ों का, वो भी मैंने लिया, थोड़ा बहुत होता है ना। और ये देखिए लोग, बच्चे लोग ये सब लिए हैं नज़रिया, तो ये लोग भी अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं। और फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए, थोड़ी सी शॉपिंग भी किए और वापस चल दिए हम लोग अपने दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पर दोपहर हो गई थी, 2 बज रहे थे दोस्तों, तो हमने थोड़ा खाना खाया सभी लोगों ने, लंच किया। तो लंच में क्या था, पनीर की सब्जी थी और मिस्सी रोटी और जीरा फ्राई दाल था, ये सब हमने दोपहर का खाना खाया। एक होटल था, बहुत अच्छा होटल था। तो ये देखिए हम लोग सब खाना खा रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और थक तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था वहाँ का, बहुत ही अच्छा था मौसम, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी, अच्छा ठंडा मौसम था, बारिश भी हुई हुई थी तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो वो लक हमारे साथ था, मतलब मौसम अच्छा होने का। और हम लोग सभी लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर निकल पड़े हम लोग। आ चुप रही है, हाय बोलो सब, बुआ को हाय बोलो, बुआ बुआ हाय बोले ना, मैं आई है तो ये आई तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, सब यहाँ बुआ आई है, गेस्ट हमारे यहाँ गेस्ट नहीं है, घूमने आई है छुट्टी मना ले।